हेलो गाइस, देवकांत क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज से मैं मैथमेटिक्स का वीडियो डालूंगा और जो हमारा सबसे प्रथम टॉपिक्स होंगे वो पॉलिनोमियल्स होंगे, है ना। पॉलिनोमियल्स में जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, सबसे पहला टॉपिक्स होगा डिफिनेशंस, उसके बाद कॉफिशेंट, उसके बाद डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल और मोर वेरिएबल। इसके बाद जो टॉपिक होंगे पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्रीज, नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉलिनोमियल का डिफिनेशन पढ़ने से पहले पॉलिनोमियल का अर्थ समझते हैं, ठीक है। तो पॉली का मतलब होता है मेनी, मेनी का मतलब होता है बहुत, और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, मतलब बहुत सारे टर्म्स। अब ये हम नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे सारी बातें, ठीक है। तो सबसे पहला जो टॉपिक्स है अपना डिफिनेशन, तो किसका डिफिनेशन, तो पॉलिनोमियल का। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स हैव पावर ओनली फ्रॉम सेट ऑफ होल नंबर्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। मतलब कि वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि वेरिएबल्स का पावर वनली क्या होना चाहिए, सेट ऑफ होल नंबर्स। तो सबसे पहले पता होना चाहिए सेट ऑफ होल नंबर्स क्या होते हैं। तो सेट ऑफ होल नंबर्स में जीरो आएगा, वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा, फोर आएगा, ऐसे ऐसे बहुत सारा चीज़ आएगा। तो पॉलिनोमियल का डिफिनेशन यही है कि वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। जैसे हम फर्स्ट नंबर की बात करते हैं, तो फर्स्ट नंबर में अपना जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो क्या है, 5x³ प्लस 6x² प्लस 9x प्लस 5xy प्लस 9। तो इसमें वेरिएबल्स क्या हो गए, x और y हो गए। तो ऐसा नहीं है कि जो भी वेरिएबल्स होंगे उसका पावर होल नंबर ही होगा, कुछ अलग भी हो सकता है। यदि होल नंबर्स के अलावा कुछ और होगा तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर की बात करते हैं, तो इसमें वेरिएबल्स का पावर क्या है, होल नंबर है, इसी वजह से ये अपना पॉलिनोमियल है। दूसरी नंबर इक्वेशन की बात करते हैं, क्या है, 9y प्लस 8x² माइनस 3xy प्लस 5। तो इसमें जो वेरिएबल्स हैं क्या है, x और y हैं, है ना। तो इसमें वेरिएबल्स का पावर क्या है, होल नंबर्स है। तो इसी कारण सेकेंड नंबर भी क्या है, पॉलिनोमियल है। बट बात हम थर्ड नंबर की करते हैं, तो इसमें जो अपना एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 3x⁵2 प्लस 4x² प्लस 7, तो इसमें जो वेरिएबल्स का पावर है वो क्या है, 5/2। 5/2 बोले तो क्या हो जाएगा, 2.5। तो 2.5 क्या है, होल नंबर्स नहीं है, इसी कारण ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब हमारा अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉफिशेंट। तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स का जो वेरिएबल्स के साथ जो मल्टीप्लाई किया हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं, कॉफिशेंट कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, जिसमें कि अपना क्या है, 5x³ प्लस 6x² प्लस 9x प्लस 5xy प्लस 9। तो इसमें वेरिएबल्स क्या हैं, x³y। तो कॉफिशेंट इसके साथ क्या गुना किया हुआ है, मल्टीप्लाई किया हुआ है, 5। तो 5 अपना क्या होगा, वेरिएबल्स होगा। इसी तरह x² के साथ 6 मल्टीप्लाई है, तो 6 अपना क्या होगा, कॉफिशेंट होगा। मतलब वेरिएबल्स के साथ जो भी मल्टीप्लाई किए हुए रहेंगे दैट इज़ कॉल्ड द कॉफिशेंट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसके बाद मैं पढ़ाई करता हूँ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड इन टू और मोर वेरिएबल, है ना। मतलब अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि किसी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, है ना, वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा, क्या होगा, और ये हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डिसाइड कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो हाईएस्ट पावर होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा उसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्यों अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स का पावर क्या है, होल नंबर है, वन है, है ना, वन होल नंबर होता है। अब इस किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का
वेरिएबल का जो पावर होता है, हाईएस्ट पावर जो होता है वही क्या होता है, उसका डिग्री होता है। तो फर्स्ट वाले अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब 9x+7, तो इसका हाईएस्ट, इसका वेरिएबल कौन है, एक्स है, तो एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, इसी कारण डिग्री 1 हो गया। अब बात हम करते हैं सेकेंड वाले अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, तो इसमें क्या है, 3x⁴ -9x⁵ + 7x⁸ +1। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल्स हैं वो एक्स है, और एक्स का अलग अलग पावर है, एक में 4 है, दूसरे वाले में 5 है, तीसरे वाले में 8 है। तो इन 4, 5, 8 में से सबसे ज़्यादा कौन है, 8 है, इसी कारण सेकेंड वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब बात हम करते हैं थर्ड वाले का, 12x³ - 5x² (y²) + 7xy + 8y + z, है ना। तो इसमें वेरिएबल्स क्या हो गए, एक्स हो गए, एक्स वाई हो गए, वाई हो गए, जेड हो गए, है ना। तो पावर अब निकालते हैं भाई, कि इस वेरिएबल में एक्स का पावर 3 है, एक्स वाई का पावर, पावर जब मतलब दो या दो से अधिक वेरिएबल्स आपस में प्रोडक्ट में हो तो उनके पावर्स को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना। जब हमें क्या निकालना हो, उस पॉलिनोमियल का हमें डिग्री निकालना हो, तो यहाँ 2 + 2 = 4 हो गए, यहाँ पर वेरिएबल्स क्या हो गए, एक्स और वाई, तो इसके पावर 1, 1, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, 1 है, 2 हो गया, यहाँ 8y1 हो गया, जेड का भी पावर 1 है। तो हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, इसी कारण थर्ड वाले पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो क्या होगा, 4 होगा। अब बात करते हैं हम फोर वाले में क्या है, इसी तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, 7x⁵ (y²) + 8xy²+√5xy। तो इसमें जो वेरिएबल्स के पावर हैं पहले वो फाइंड आउट कर लो, तो 5, 3, 8 हो गए, यहाँ 2, 1, 3 हो गए, यहाँ 3 हो गए, तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 8 हो गया। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब अगला टॉपिक्स हम पढ़ने जा रहे हैं जो कि होगा पॉलिनोमियल ऑफ वेरियस डिग्रीज, मतलब कि डिग्रीज के आधार पे पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब ये हो गया कि उस पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे जिसका कि डिग्री क्या हो, 1 हो। जैसे आप ये एक्सप्रेशन दे सकते हैं, x+y+z+9, है ना। तो इसमें वेरिएबल्स क्या हो गए, एक्स हो गए, वाई हो गए, जेड हो गए। तो डिग्री का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स, है ना। तो इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स क्या है, 1 है। तो जब भी डिग्री 1 होगा तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। इसी तरह हम इसकी बात करते हैं, तो x-5, तो इसमें वेरिएबल्स क्या हो गए, एक्स हो गए, तो इसका पावर क्या है, 1 है, है ना, मतलब डिग्री 1 है, मतलब डिग्री 1 रहेगा तो लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसी तरह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उस पॉलिनोमियल को कहेंगे जिसका कि डिग्री 2 हो। तो देखो 9x² + 6x - 5, इसमें वेरिएबल्स क्या हैं, x हैं, तो इनके जो हाईएस्ट पावर है 2 है, मतलब डिग्री 2 है, तो ये क्या कहला जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहला जाएगा। इसी तरह हम इसकी बात करते हैं, 4xy + 3x + 5, इसमें वेरिएबल्स एक्स वाई हैं, एक्स हैं, तो जब दो वेरिएबल्स एक साथ आपस में प्रोडक्ट में हो तो उनके पावर जुट जाते हैं, तो यहाँ 1, 1, 2 हो जाएगा, तो इसका डिग्री 2 है, इसी कारण ये क्या, कौन सा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब बात हम करते हैं थर्ड वाले पॉलिनोमियल की, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो दैट पॉलिनोमियल इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल हुज पावर 3 या हुज डिग्री इज 3। तो देखो यहाँ पे जो अपना पॉलिनोमियल है 7x² (y) + 5x² (x²) + 12, तो इसमें पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है, 3 है, इसी कारण ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, वैसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो, 4 है, है ना। तो जैसे 9x⁴ + 8y⁴ + 7z⁴ + 8, तो इसमें वेरिएबल्स क्या हैं, एक्स वाई जेड हैं, हाईएस्ट पावर क्या है, वही डिग्री होती है किसी पॉलिनोमियल की, तो हाईएस्ट पावर 4 है, इसी कारण ये बैकक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। अब बात करते हैं इसकी, 9xy²(z) + 6x³y + 7, है ना, इसमें वेरिएबल्स क्या हैं, एक्स वाई जेड हैं, तो जब आपस में मल्टीप्लाई में हो तो सभी पावर्स को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो 2, 1, 3, 1, 4 हो जाएगा, इसी वजह से इसका डिग्री 4 है, है ना, इसी कारण ये बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसी तरह इसके है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स इन पॉलिनोमियल, है ना। तो मतलब पॉलिनोमियल
को अब हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं टर्म्स के आधार पे कि कौन सा पॉलीनोमियल मोनोमियल होगा, कौन सा बायनोमियल होगा, कौन सा ट्राइनोमियल होगा टर्म्स।